खबर बड़वानी से। राजघाट में सचिन केवट नामक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता राहुल यादव ने आरोप लगाया कि मृतक डूब प्रभावित था और आर्थिक हालत खराब थी। 2017 में सचिन का मकान डूब गया था। वो टीनशेड में रहकर फल सब्जी बेचकर जीवन यापन कर रहा था। संपूर्ण पुनर्वास नहीं होने के कारण तनाव में रहता था। हालांकि पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में ले लिया है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। राहुल जी, सचिन केवट ने फांसी लगाई है, क्या मामला सामने आ रहा है? सचिन केवट पिछले 10 सालों से अपने परिवार से अलग रहता था और अपना ही जीवन यापन करता था। इसके लॉकडाउन के लगते हुए उन्होंने खुद ने भी सब्जी का धंधा व्यवसाय करने लगा था, क्योंकि उसको उसका मकान 2017 में डूब चुका था 2017 में डूब चुका था और 2019 में सितंबर के महीने में पिछले साल उनको डूब के बाहर ला कर टीन सेट में रखा गया था। आज भी उनका संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ, इसके कारण चलते उन्होंने तनाव के कारण या अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण खुद ने फांसी लगाई और आत्महत्या कर ली है। क्या कहूँगे, क्या होना चाहिए? क्योंकि पिछले लगभग 3 साल से पर्सनली आंदोलन नर्मदा आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं आता था और भाग लेता था, उससे उनकी आर्थिक स्थिति जानता था किस प्रकार से थे, क्योंकि उन्होंने तनाव में आकर ही खुदकुशी करना पड़ा। राजघाट में केवट ने फांसी लगाई है, सर क्या मामला? ये आज सुबह ही करीब 7:30 बजे के करीब सूचना मिली थी कि राजघाट में श्री सचिन केवट, उम्र उनकी 30 साल है करीब, उन्होंने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है। उस सूचना पर तत्काल जो है पुलिस टीम मौके पर पहुंची, पूरा घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद में इसमें मर्ग कायम करके PM कराया गया है और इसमें प्रकरण में भी जांच की जा रही है। सर, कोई सुसाइड नोट या कोई कारण पता चला? अभी तक की जांच में ऐसा कोई कारण सामने नहीं आया है। अब मौके पर जब जाँच आगे बढ़ेगी, जब परिजनों के बयान होंगे, तभी स्थिति कुछ स्पष्ट होगी। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से सचिन राठौर की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।